यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता को, उनके परमेश्वरत्व को, उनकी डिविनिटी को देखते जा रहे हैं और ये देखते जा रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के तमाम जितने महान व्यक्ति थे उन सबसे बड़ा है, चाहे वो आदम हो, चाहे वो इब्राहिम हो, इसहाक हो, याकूब हो, मूसा हो, या कोई और भविष्यवक्ता या राजा हो। और हम एक एक करके इसको जो है देखते जा रहे हैं। सो आज जो हमारा विषय है वो ये कि हमारा प्रभु याकूब से भी बड़ा है, और जिसका वर्णन जो है बाइबल में बहुत सारी जगह आया है, लेकिन मैं एक हिस्सा जो है वो पढ़ रहा हूं आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय, और जहां प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री के साथ वार्तालाप करते हैं, तो उस वार्तालाप को जो है यहां पर बताया गया है। सो बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार चौथा अध्याय और उसके 10 आयत से मैं कुछ हिस्सा आपके लिए पढ़ रहा हूं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा तो वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सो स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा, जिसने यहां पर जो है खुद भी पिया और अपने ढोरों को भी पिलाया। और आपको याद होगा कि याकूब जब अपने मामा लाबान के यहां गया तो जैसे जल भरने के लिए कुएं पर लोग आते थे, वो ढक्कन हटाया जाता था पत्थर का, और याकूब ने जो है वो ढक्कन हटाया और राहेल वहां आई और राहेल ने जो है उसकी मदद करी, और राहेल जो है बाद में उसकी पत्नी भी बनी। सो प्रभु ने कहा जो इस कुएं में से या इस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो जल मैं दे रहा हूं वो उसमें से न सिर्फ वो तो एक खुद तो तृप्त हो गई, वरन एक बहता हुआ सोता तैयार हो जाएगा और जो है वो अनंत काल तक प्यासा न होगा। और यही प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कही, उसके 19वें अध्याय में कही, उसके 22वें अध्याय में कही, उसके 21वें अध्याय में कही। सो प्रभु यही चीज कहते हैं। फिजिकली, फिर से मैं बोलूंगा, फिजिकली संसारिक रीति से, शारीरिक रीति से प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी थी, लेकिन प्रभु फिर से आत्मिक बात कर रहे हैं। और इस स्त्री की आत्मिक आंखें अभी तक खुली नहीं थी, और जब वो खुली तो ये परिणाम हुआ कि वो सोता जो वो प्रभु ने कहा था, वो जब गांव में गई, पूरे गांव वालों को बताया, पूरा गांव आया, प्रभु यीशु मसीह वहां 2 दिन तक रहे, और जाने के पहले गांव वालों ने यह गवाही दी कि अब उस स्त्री के कहने से नहीं वरन हमने जान लिया कि ये मसीह, ये प्रभु है, और पूरा गांव बचाया गया। एक स्त्री से जो है पूरा गांव बचाया गया। सो प्रभु करे कि हमारी भी आत्मिक आंखें खुलें कि हम प्रभु की बातों को जो है देख सके, उसकी वाणी को सुन सके, इसलिए हमारे कान खुले जाए, हमारे मन में प्रभु की बातें समा सके। सो आए मेरे साथ थोड़ी देर तक अध्ययन। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, जैसा हमने पहले देख चुके हैं, अब्राहम से, इसहाक से और अब याकूब से भी
बड़ा परमेश्वर है। और जो है जैसे प्रभु ने कहा कि जिस कुएं में से याकूब और तुम लोग पीते हो वहां से फिर से प्यास लगती, लेकिन जो जल मैं दूंगा वो तो एक बहता हुआ सोता हो जाएगा। और जो है याकूब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि संसारिक लोग संसारिक बातों की ओर ध्यान देते। इसके पहले जब हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग से जब रोटी उतरी उसको खाने के बाद भी मृत्यु आ रही थी, सो स्वर्ग से रोटी उतरने के बाद उसको खाने के बाद भी मृत्यु आ रही थी, तो प्रभु ने कहा जो मेरी देह को खाएगा वो कभी ना मरेगा। और फिर याकूब के कुएं पर आकर के प्रभु कहते हैं जो इस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो जल मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा और वरन एक सोता बन जाएगा। सो प्रभु ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि पृथ्वी के लोग जो है, और हमको याकूब का जीवन मालूम है कि याकूब जो है वो उस भेड़ के खाल को ओढ़ करके जो है अपने पिता के पास आशीष मांगने गया, और हमारे प्रभु ने हमारे लिए जो है जो कपड़े थे उसके लोगों ने फाड़ डाले ताकि हम जो है धर्मी हो जाए। और याकूब की आवाज सुन के जो है इसाक ने कहा था कि मैं उसको छू के देखूं, और उसने छुआ तो इसाक की आंखें बंद थी, इसाक उसको देख नहीं पाया। ये परमेश्वर की ओर से ताकि आने वाले समय में जो है इस बात को प्रकट किया जा सके कि हमारा प्रभु हमारे लिए पिता के पास, और जो है जो इसाक ने उसको आशीष दी वो ये कहा कि तुझ पर ओस चमके, पृथ्वी की सारी जो है वेल्थ वो तेरी रहे, और सारे जो है तेरी चराइयां, तेरी दाखलताएं, तेरे खेत फले फूले, और तू राष्ट्रों पर जो है राज्य कर, और तेरे भाई तेरे सामने झुके, जो तुझे श्राप दे वो खुद श्रापित हो और जो तुझे आशीष दे वो आशीषित हो। और दिल से जो है उसने ये आशीष दी। और इसके बाद जो है जब याकूब ने घर छोड़ा 20 साल बाद वो वापस लौटा, 20 years जो है, और जो है जहां से जब आपको याद होगा कि जब यूसुफ मिस्र का जो है प्रधानमंत्री बन गया तब परमेश्वर ने सारे तरफ जो है अकाल भेजा, और ये परमेश्वर की प्लानिंग थी जो यूसुफ ने पहचान ली थी, और कहा यूसुफ ने भी कहा कि अपने भाइयों से मत डरो, मैं तुम्हारी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, इन अकाल के वर्षों में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो कुछ होना था ये परमेश्वर ने पहले से ठहराया, हालांकि तुमने मेरे साथ बुराई करी लेकिन मैं तुम्हारे साथ वैसी बुराई नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है क्रूस पर सब लोगों को यह कह के माफ किया कि हे बाप इन्हें क्षमा कर, और जैसे याकूब ने जो है लड़ाई करी
और जो है इस स्वर्गदूत के साथ, और कहा मुझे आशीष दे। तो याकूब का मतलब था अड़ंगा मारने वाला, और परमेश्वर के दूत ने उसका नाम जो है इज़राइल राष्ट्र, आशीषित राष्ट्र जो है रखा। और जैसा हमने देखा था कि याकूब जो है जब अपने पिता के पास से चला लाबान के पास अपने मामा के पास में, तो वो वहां आया और कुएं पर वो पत्थर को हटाया और जो है वो आने वाले समय में जो है कलीसिया को बताता है, कलीसिया को बपतिस्मे को बताता है और जो है ये जो जब उसने वो पत्थर हटाया और जो है राहेल को उसने चूमा और कहा कि मैं तेरा दूर का रिश्तेदार हूं, क्या मेरा मामा लाबान यही है? और जो है याकूब जो है फिर हमको मालूम पड़ता है कि लिया और राहेल उसकी कैसी पत्नी बनी, और याकूब ने खूब अन्याय सहा, लेकिन परमेश्वर ने उस अन्याय में भी उसको जो है आशीषित किया। और जो है प्रभु यीशु मसीह जो है जब याकूब के 12 बेटे उत्पन्न हुए, तो 12 संतानें जो है 12 राष्ट्र के रूप में आगे जाके बदली, और आज का जो इज़राइल है वो इन राष्ट्रों का परिणाम है। और नाम इज़राइल कहां से पड़ा ये भी हमने देखा, ये भी हमने देखा। और जो है याकूब के जीवन में जो है कैसे जो है परमेश्वर आशीष लेके आया, और जैसे याकूब ने अपने मामा लाबान की सेवा करी एक अच्छे चरवाहे के रूप में, प्रभु यीशु मसीह जो है अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। और प्रभु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और फिर वो 20 साल बाद जब लौटा, तो वो लौटा और उसने अपने भाई से जो है मुलाकात करी, और वो उस जगह आया जहां पर वो जब 20 साल पहले लौट रहा था, तो परमेश्वर पिता ने उसको वो स्वर्ग का दर्शन दिया था। तो याकूब ने कहा ये जगह कुछ और नहीं, ये परमेश्वर का निवास स्थान होगा, और परमेश्वर यदि मेरे साथ रहेगा तो वो मेरा परमेश्वर होगा और मैं उसका बेटा होऊंगा, और मैं जीवन भर उसकी सेवा करता रहूंगा। और जब 20 साल बाद लौटा याकूब उसी जगह, तो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के लिए उसने ये जगह चुनी, और ऐसा कहते हैं कि ये वो जगह थी जहां पर जो है दाऊद राजा ने फिर आगे जाके वो मंदिर की नींव रखी। और जो है प्रभु यीशु मसीह इस दर्शन के बारे में जो है कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो तो एलिया और मूसा उनके साथ आए, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय इकलौते पुत्र के। हालांकि याकूब ने इस दर्शन को देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे भी बड़े बड़े, और प्रभु ने कहा जो कोई मुझ पर भरोसा करता है वो न सिर्फ मैं जहां रहता हूं वहां रहेगा, और
मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। याकूब जो है वो ये दर्शन देखता है, ये दर्शन देखता है और इज़राइल का जो है आगे जाके जो है एक राष्ट्र के रूप में परमेश्वर ने इन्हें स्थापित किया और आज भी इज़राइल जो है इस दुनिया के नक्शे में हालांकि छोटा सा एक हिस्सा है लेकिन पाया जाता है। याकूब जो है उसमें कहीं कमियां भी थी, वो अपने भाई के प्रति जो है वो वफादार नहीं रहा और उसने अपने पिता को जो है धोखा दिया। वो जो है एक जो है भगोड़ा के रूप में भी जाना गया, अड़ंगा मारने वाले बेटे के रूप में भी जाना गया और उसका जो प्रेम दूसरे पुत्रों से ज्यादा यूसुफ के प्रति रहा वो यूसुफ के लिए जो है तकलीफदायक हो गया। और हम इसके बावजूद देखते हैं, कमियों के बावजूद भी देखते हैं कि प्रभु जो है उसे अपनाते हैं और कहते हैं कि मैं इब्राहिम, इज़हाक और याकूब का परमेश्वर। सो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि हम कमजोर हैं, यदि हमको लगता है कि हम में कुछ भी योग्यता नहीं, तो भी परमेश्वर हमें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। और जैसा हमने देखा कि बेतेल में वो जगह जो वहां पर उसको दर्शन मिला था, वो जगह का नाम बेतेल और ये वो याकूब का कुआं। और अभी भी कई लोग जो है याकूब के इस कुएं पर दर्शन करने जाते हैं। और जैसे लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में वो पुत्र जो भटक गया था, जब वापस आया था, पिता ने उसे गले लगाया। पुराने नियम में याकूब वो भटका हुआ व्यक्ति था, लेकिन 20 साल जब बाद वो जब वो वापस आया तो परमेश्वर और उसके पिता और उसके भाई ने उसको गले लगाया। याकूब का ये दर्शन जो उसने देखा कि स्वर्गदूत ऊपर से चढ़ते उतरते जा रहे हैं, ये सीढ़ियां, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे भी बड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग पर कोई नहीं चला सिवाय इकलौते पुत्र के। और प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से उस जल के बारे में बात करते हैं। याकूब उस स्वर्गदूत से जो है लड़ाई करता है और जब भोर को पो फटने लगी तो स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे। उसने कहा नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं जाऊंगा, तुझे नहीं जाने दूंगा। और याकूब ने जो है वो आशीष पाई इस स्वर्गदूत के द्वारा। जो है ये वो कुआं जिसके दर्शन के लिए एक ऐतिहासिक जगह है, जहां पर लोग यरूशलेम में इस कुएं को देखने अभी भी जाते हैं। और प्रभु ने कहा कि जो उसमें से पिएगा वो तो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो जल मैं दूंगा वो उसमें से एक बहता हुआ सोता हो जाएगा। याकूब उस स्वर्गदूत से लड़ता हुआ, लेकिन जब याकूब वापस लौटा तो पिता ने उसका ऐसा स्वागत किया। याकूब की दशा बुरी थी लेकिन पिता ने उसको गले लगाया। सो हमको लगता है कि हम गिर गए तो भी परमेश्वर हमें उठाने के लिए तैयार है। और आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे साथ ये दुआ कर सकते। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा कि जो कोई इस संसारिक जल में से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो जल मैं उसे दूंगा
वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन एक बहता हुआ उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। तो प्रभु उस स्त्री ने जैसे कहा कि प्रभु मुझे वो जल दे, और आपने वो जल जब उसे दिया तो वास्तव में वो एक बहता हुआ सोता, उमड़ता हुआ सोता बन गया, और वो स्त्री के जरिए वो पूरा गांव बचा लिया गया। सो खुदावंत, हमारे जीवन में भी कई कमियां हैं, कई घटियां हैं, याकूब के समान प्रभु हमने भी कई गलतियां करी, लेकिन हम आपके पास आते हैं और हमें मालूम है कि आप हमें ग्रहण करेंगे, हमारे कामों के कारण से नहीं, लेकिन अपने नाम के निमित्त, प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त, अपने लहू के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कारण, पिता परमेश्वर की दया के कारण हमें ग्रहण करें, हमें अपना बेटा बेटी बनाए, हमारे अपराधों को धोए। और जैसा जब वो उड़ाऊ पुत्र वापिस आया, आपने उसे गले लगाया, प्रभु आज भी आप ऐसे लोगों को गले लगाने के लिए तैयार है जो आपके पास आना चाहते हैं। हम संपूर्ण मन से आपके समीप आते हैं, हमें ग्रहण करें, फिर से अपनाए, और प्रभु ये सौभाग्य दें कि हम फिर से अपराधों में, आंखों के अभिलाषा में, शरीर के अभिलाषा में और जीविका के घमंड में न उलझे, अपने शरीर पर, संसार पर और शैतान पे जय प्राप्त करते जाए। सारा आदर आपको देते हुए फिर से इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.